कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय सोमवार को 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 197 स्थानों पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षु मेले का कर रहा आयोजन। मेलों में भाग लेने के लिए कई स्थानीय व्यापारिक संस्थानों को किया गया आमंत्रित। उद्यमिता प्रशिक्षण के माध्यम से क्षेत्रीय युवाओं को अपना भविष्य बनाने का मिलेगा अवसर। मेलों में विभिन्न क्षेत्रों की कई कंपनियां ले रही भाग। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मानवीय सहायता को प्रतिबंधों से छूट देने के प्रस्ताव पर भारत ने मतदान में भाग नहीं लिया। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि भारत के पड़ोसी देशों में आतंकवादी गिरोह मानवीय सहायता की आड़ में चलाते हैं आतंकवादी गतिविधियां। काशी तमिल संगमम की याद में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वाराणसी को दी ट्रेन की सौगात। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा 535 रेलवे स्टेशनों को 572 एक स्टेशन एक उत्पादन विक्रय केंद्र के अंतर्गत लाया गया। सरकार की वोकल फॉर लोकल योजना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक स्टेशन एक उत्पाद योजना की गई आरंभ। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने की राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की 10वीं आधिकारिक कार्यबल बैठक की अध्यक्षता। देश का सबसे बड़ा व्यावसायिक जेट टर्मिनल कोची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुआ शुरू। ये अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू जेट सेवाओं को एक साथ संचालित करने के रूप में करेगा कार्य। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नागपुर दौरे से पहले तैयारियों की समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री कल नागपुर में स्मृति राजमार्ग सहित कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा रूस और ईरान के संबंध आगे बढ़ते हुए रक्षा साझेदारी तक पहुंचे। रूस ईरान को अभूतपूर्व स्तर का दे रहा सैन्य सहयोग। कतर में फीफा विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल मैच में अर्जेंटीना ने नीदरलैंड को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर सेमीफाइनल में बनाई जगह। अर्जेंटीना के नोहेल मोलिना ने 35वें मिनट में किया पहला गोल।